यह कहानी बहुत पुरानी है। एक बहुत ही घना जंगल था। इस जंगल में कोई भी नहीं रहता था। इसी घने जंगल के बीच में एक घर था। इस घने जंगल के बीच में इस घर में सिर्फ दो लोग रहते थे, एक बूढ़ा बाप और वो दूसरी उसकी छोटी बेटी। एक दिन बूढ़े बाप को घर में बैठे बैठे बहुत भूख लगी, तो उसने अपनी बेटी को बुलाया और कुछ खाने के लिए मांगा। पापा, आपको क्या खाने का मन है बताइए, मैं वो आपके लिए बना दूंगी बहुत आसानी से। क्या खाने का मन है आपको? बेटी, मेरा तो गुलगुल्ला खाने का मन कर रहा है। गुलगुल्ला बहुत अच्छा होता है, इससे मुझे तो मज़ा आ जाएगा खाके। बस इतनी सी बात, आपको गुलगुल्ला खाना है, मैं अभी आपके लिए गुलगुल्ला बना के ला देती हूँ, बस एक मिनट में आई मैं। अब मैं किचन में आ गई हूँ, अब मैं अपने पापा के लिए गुलगुल्ला बनाऊंगी। तो मुझे गुलगुल्ला बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? अब मैं बहुत अच्छे से गुलगुल्ला बनाना शुरू करूंगी। मुझे चाहिए आटा, फ्लोर, ये मेरे पास है। मुझे चाहिए घी, ये भी मेरे पास है। मुझे चाहिए चीनी, ये भी मेरे पास है। अब मेरे पास चाहिए मलाई, क्रीम, ये भी मेरे पास है। अब मैं जल्दी से सबको मिला के गुलगुल्ला बना लूंगी। ये मेरा गुलगुला तैयार हो गया, बहुत अच्छा। मैं अभी इसको देती हूँ, अभी थोड़ा सा इसको धूप में खिड़की के पास सुखा देती हूँ। अभी मैं इस गुलगुले को खिड़की पे रख देती हूँ, इससे गुलगुला सूख जाएगा। वाह! फिर वो गुलगुले को छोड़कर सूखने के लिए वहीं पे छोड़ दी और वो चली गई। गुलगुले ने सोचा कि यही अच्छा मौका है, वरना तो ये लोग मुझे खा जाएंगे, और ऐसा करके वो खिड़की से नीचे कूद गया। और गुलगुले ने खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। खिड़की से कूदने के बाद गुलगुला तेजी से जंगल में गुरकने लगा। जंगल में उसे एक मेंढक मिला। उसने बोला, वाह वाह, कितना अच्छा गुलगुला है, इसे तो खा के बहुत मज़ा आ जाएगा। आजा गुलगुले, मेरे पास आजा, मैं तुझे अभी खा जाता हूँ। गुलगुला बोला, नहीं नहीं मेंढक जी, फ्रॉग जी, मुझे मत खाओ। मैं ना आपको एक बहुत अच्छा सा गाना सुना देता हूँ, आपको गाना सुन के बहुत मज़ा आ जाएगा और आपको मुझे खाने का भी मन नहीं करेगा। ये सुनकर मेंढक ने बोला, अच्छा ठीक है, तुम मुझे गाना सुना दो। गाना सुनने के बाद सोचूंगा मुझे क्या करना है। सुनाओ गाना। यह देखकर गुलगुले ने गाना शुरू कर दिया। मैं हूँ गोल गुलगुला, खस्ता और भुरभुरा, आटे के कुठार को खुरच खुरच कर, अनाज के कुठार को झार कर, गुहार कर, जितना आटा मिल सका, मलाई उसमें डाल कर, गुन गुन कर बना गोल गोल गुलगुला, घी में सेक भुन कर, खस्ता और भुरभुरा, ठंडा करने के लिए खिड़की में धरा गया। मैं नहीं हूँ बेवकूफ, वहाँ से मैं लुढ़क चला, बाबा को नहीं मिला, दादी को नहीं मिला। ओ मिया फ्रॉग, तुझको भी नहीं मिला। यह देख कर और बोलकर फटाक से गुलगुला गुरक के वहां से भाग गया और बेचारा मेंढक देखता ही रह गया। अरे रुको गुलगुला, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, अरे रुक जा रुक जा। बट गुलगुला
गुड़क गुड़क के बहुत दूर भाग गया। गुलगुला गुड़क गुड़क कर उस जंगल से भागकर दूसरे जंगल में आ पहुंचा। अचानक से वहां यूनिकॉर्न आ जाता है, बोलता है, आहाहा गुलगुले गुल गुल गुलगुले आजा मैं तुझे खा जाता हूँ, आजा आजा। नहीं नहीं मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें एक गाना सुना देता हूँ, बहुत अच्छा गाना। चलो तुम्हें खाने से पहले गाना भी सुन लूँ, सुनाओ क्या गाना है। ठीक है मैं आपको गाना सुनाता हूँ। ये सुन के गुलगुला गाना गाने लगा। मैं हूँ गोल गुलगुला, खस्ता और भुरभुरा, आटे के कुठार को खुरच खुरच कर, अनाज के कुठार को थार कर बुहार कर, जितना आटा मिल सका मलाई उसमें डाल कर, गूंद गूंद कर बना गोल गोल गुलगुला, घी में सेक भुन कर खस्ता और भुरभुरा, ठंडा करने के लिए खिड़की में धरा गया, मैं नहीं हूँ बेवकूफ, वहाँ से मैं लुढ़क चला, बाबा को भी नहीं मिला, दादी को भी नहीं मिला, ना मिला खरगोश को, ना मिला मैं मेढक को, और तुझे भी नहीं मिला। और यह गाना सुनाकर गुलगुला फौरन वहाँ से गुड़क के भाग गया। यूनिकॉर्न बोला, अरे मुझे बहुत भूख लगी थी, गुलगुले तो भाग गया, मुझे अच्छी भूख लगी थी, और वो उदास बैठा ही रह गया। रास्ते में गुलगुले को एक चिंपैंजी मिल गया और वो बोला, आहा हा हा गुलगुले मैं तुझे खाऊंगा, आप ही खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। गुलगुला बोला, अरे काले से चिंपैंजी तू मुझे क्या खा पाएगा। चिंपैंजी को बहुत गुस्सा आया, गुलगुले मैं अभी तुझे खा जाऊंगा। गुलगुला बोला, नहीं नहीं रुको रुको मैं तुम्हें अभी एक गाना सुनाता हूँ। और उसने बोला, अरे ए मेरा नाम है गुलगुला, मैं हूँ गोल गुलगुला, खस्ता और भुरभुरा, आटे के कुठार से खुरच खुरच कर, अनाज का छाल कर बुहार कर, जितना आटा मिल सका मलाई उसमें डाल कर, गूंद गूंद कर बना गोल गोल गुलगुला, घी में सेक भुन कर खस्ता और गुड़गुड़ा, ठंडा करने के लिए खिड़की में धरा दिया, मैं नहीं हूँ बेवकूफ, वहाँ से मैं लुढ़क चला, बाबा को भी नहीं मिला, दादी को भी नहीं मिला, ना मिला मैं नेडा को, ना मिला मैं यूनिकॉर्न को, सुनो रे चिंपैंजी मैं तुझे भी नहीं मिलूंगा। यह बोल के गुलगुला वहां से गुड़क के भाग गया। ऐ गुलगुला रुको मैं अभी तुम्हें पकड़ के खा लेता हूँ, मुझे बात का सारा गुलगुले। गुलगुला गुरकते गुरकते जंगल में एक लोमड़ी के पास पहुंचा। उसने सोचा कि मैं इसे भी गाना सुनाने में बेवकूफ बनाता हूं और वहां से भाग जाता हूं। बट लोमड़ी बहुत ही ज्यादा चालाक थी। गुलगुले को चालाक लोमड़ी देखते ही गुलगुले ने बोला, ऐ चालाक लोमड़ी मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ। चालाक लोमड़ी बोला, अरे वाह मुझे तो गाना सुनने का बहुत शौक है, तुम थोड़ा पास आके गाना सुना दो, मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ। ये सुनकर गुलगुला थोड़ा पास आया और गाना शुरू किया। मैं हूँ गोल गोल गुलगुला, और चालाक लोमड़ी बोली, अरे वाह रुको कितने मधुर वॉयस है तुम्हारे, मुझे तो तुमसे गाना सुनना है और अच्छे से, तुम्हारे आवाज कितने अच्छे हैं, थोड़ा पास आओ, थोड़ा करीब आके गाना सुनाओ, और करीब आओ। गुलगुले ने सोचा कि चलो ठीक है, और थोड़ा और पास आ गया और फिर से गाना शुरू किया।
मैं हूँ गोल गोल गुलगुला, ये देखकर बिल्ली बोली, अरे वाह वाह कितने अच्छे आवाज हैं आपकी, आपकी आवाज तो बिल्कुल मधुर है, मेरे कान में बहुत अच्छे लग रहे हैं सुरीले। ओहो आप थोड़ा सा और पास आइए मेरे कान के और तब गाना गाइए तो ज्यादा मजा आएगा। अपनी थोड़ी सी तारीफ सुनते ही वो गुलगुला बिल्कुल चलाक लोमड़ी के पास चला गया और बस चलाक लोमड़ी ने मौका देखा और फटाक से गुलगुले पे अटैक कर दिया और उसको खा लिया। इससे पहले गुलगुला को सोच पाता वो चलाक लोमड़ी के पेट में था। हा, मुझे तो बहुत मजा आ गया, आज मैंने बहुत स्वादिष्ट गुलगुला खाया। इस कहानी से हमने ये शिक्षा प्राप्त किया कि आप चाहे खुद को कितना भी चलाक समझे, आपसे ज्यादा कोई ना कोई चलाक जरूर होता है, इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक या बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझना अच्छी बात नहीं है। और हर एक शेर का सवा शेर जरूर से होता है। सुनो जल्दी से तुम चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दो, बटन दबा दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो। बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इनके बीच में तो मुझे डर ही लग रहा है, सबसे कमजोर तो मैं ही लग रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, बाय, मैं यहाँ से जाता हूँ। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, बाय।